हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फूड एंड ब्यूटी टिप्स विद अन्नू। मैं आपके सामने लेके आई हूँ नई तरह की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट आम का अचार। ये प्याज का अचार है, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी, चलिए शेयर करते हैं। वो आम लिया है मैंने, कच्चा आम लिया है, ये प्याज है और ये हरी मिर्च है, ये अदरक है। ये हमने सब अच्छी तरह धो लिया है। धो करके हम आम को ऐसे एक छिलका उतार करके, इसका छील करके इसे हम घस लेंगे, जैसे ग्रेट कर लेंगे, जैसे हमने ग्रेट करके रखा, देखिए मैंने। और ये प्याज को मैंने छील करके धो लिया था, धो करके ऐसे पीसेस में काट लिया, लंबे लंबे पतले पतले। और मिर्ची को भी हमने काट लिया है और अदरक को भी मैंने घस लिया है। सब रेडी करके रखी ताकि मैं फटाफट आपको रेसिपी बता सकूं। देखिए अब हम इंग्रेडिएंट्स बता देंगे। मैंने 3 चम्मच नमक लिए क्योंकि नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है और ये कलौंजी है। ये 1 चम्मच नहीं है, कम है, 1 चम्मच से हाफ से बेसी है। ये 2 चम्मच मैंने हल्दी लिया है, हल्दी पाउडर। और ये लाल चना है, कच्चे हैं, कच्चे चने हैं। और ये सरसों तेल है, मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल अचार में मस्टर्ड ऑयल ही गिरता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इसको बनाना बताती हूँ कैसे बनेगा। ये प्याज का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। पर इसके पहले मैं कुछ प्रोसेस बता रही हूँ आपको, क्योंकि चना हम बाज़ार से ला रहे हैं और हम धोएंगे तो इसमें पानी अंदर रह जाएगा तो अचार ख़राब हो जाएगी। तो इसे हम अच्छी तरह पोंछ देते हैं, क्योंकि कुछ डस्ट और कुछ पाउडर वगैरह रहे तो ये सफ़ा हो जाए। देखिए हम ऐसे पोंछ लेंगे, क्योंकि हम चना उसे कच्चा ही डालेंगे और चना हमारा आम का पानी जो निकलेगा और प्याज का जो पानी निकलेगा उसी से ही फूलेगा। देखिए चना हम इसमें पोंछ दिए अच्छी तरह, हम इसे सफ़ा कर दिए सूखे कपड़े से और रख देंगे, क्योंकि धोने से तो फिर ये चना में पानी अंदर चल जाएगा, फिर ये अचार ख़राब हो जाएगा। और चने के अंदर आम का जो खट्टापन जाएगा उसी से ही, खट्टापन पानी से ही ये चना फूलता है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए ये प्याज जो मैंने लंबा काट लिया था, ऐसे पतले पतले छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। देखिए ये छोटे छोटे पीसेस हैं, आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिएगा। प्याज तो हम कच्चा भी खाते हैं और आम भी कच्चा खाते हैं सभी, पर आम का अचार और प्याज का तो कॉम्बिनेशन ही बहुत ही अलग है, बहुत ही अंदाज ही अलग है इसका। और ये हरियाणा का फेवरेट अचार है, ये आपको हरियाणा में बहुत ही अच्छी तरह मिलेगा, हर घर में मिलता है प्याज का अचार। तो ये अचार, ये मैंने आम डाल दिया है, ग्रेट किया हुआ आम है। आम डालने के बाद हम इसमें एक एक करके मसाला डाल देंगे। देखिए प्याज और आम हल्का सा हम मिला लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक, जो मैंने पीसेस में हरी मिर्च काट के रखा था और अदरक ग्रेट किया हुआ। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए चना डाल दिया मैंने, ये चना मैंने 2 मुट्ठी लिया है, अंदाजे से ले लिया है चना। मैं सभी क्वांटिटी बता दूंगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसे जो मतलब क्वांटिटी बता दूंगी, 1 किलो का जो अंदाजे बनाएगा उसका बता दूंगी। ये मैंने 1 किलो से कम बनाया है, आम भी 1 किलो से कम था और जो प्याज है वो भी 1 किलो से कम का है। तो मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसे ज़्यादा क्वांटिटी वाली। हल्दी मैंने डाल दिया है, मैंने मसालों की क्वांटिटी बता दिया है और एक एक करके हम सभी मसाले मिला लेंगे इसमें। कलौंजी डाल दिया, सौंफ डाल दिया, अब लाल मिर्च भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। नमक मैंने 3 चम्मच लिया क्योंकि अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। और लास्ट में मैं एक टिप दूंगी आपको जो अचार से रिलेटेड में है, वो टिप मैं आपको लास्ट में दूंगी। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में मैं एक टिप दूंगी आपको अचार के बारे में। देखिए मैंने सब डाल दिया, ये ऑयल लिया है मस्टर्ड ऑयल, एक बार मैंने 100 ml ऑयल लिया है, क्योंकि एक बार हम ऑयल मिला लेंगे तो यदि कम लगेगा तो हम और डाल देंगे, क्योंकि अचार में ऑयल बाद में कम हो जाता है, तो यदि हमें लगेगा कि कम है तो हम अंदाजे से और डाल देंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह मिला लिया है, बस हमें और कुछ नहीं करना है। ये अचार को अब हम ऐसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। यदि आप शाम को मिला रहे हैं तो हम ढक करके छोड़ देंगे, और या फिर आप सुबह बना रहे हैं तो आप ऐसे के ऐसे से धूप में डाल दीजिए। मैंने शाम को बनाया था बोल करके, धूप तो अब मिलेगी नहीं तो मैं मॉर्निंग में से धूप में रखूँगी अचार को। देखिए मैंने अच्छी तरह को अचार को अच्छी तरह मिला लिया है, हमारा अचार अब रेडी है। आप
चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अचार प्याज तो कच्चा खाते हैं और ऐसा कोई बात नहीं है, आप आम भी कच्चा खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसे मैं रख दी हूँ, ढक करके रख दिए हैं ताकि चना हमारा फूल जाए, और दूसरे दिन की मॉर्निंग में हम एक पतला सा कपड़ा इस पर रख दिए हैं, कपड़ा रख करके ताकि धूप लगती रहे और कोई गंदगी भी नहीं गिरे, ऐसे हम रख देंगे, बालकनी में रख दिए हैं। और देखिए सारा दिन धूप लगा है अचार में, शाम हो गई, अब हम अचार उठा लेते हैं। देखिए अचार में दिखाती हूँ, चना भी फूल गया और हमारा अचार भी देखिए धूप लग गया है, ये बहुत ही अच्छा बन गया। देखिए अब हमारा आम भी थोड़ा नरम हो गया है और प्याज भी, अब ये खा के देखिए बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी तो मैं आपके पास नई नई रेसिपी लाऊंगी। ये देखिए मेरा अचार अब हमारा रेडी है, अब हम इसमें बर्नी में डाल देंगे। आपके पास कांच की शीशी है तो कांच की शीशी में डाल दीजिए, हाँ पर शीशी में कोई तरह का पानी या कोई मॉइस्चर ना हो, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। देखिए अचार हम डाल दिए हैं, और मैं जो टिप देने वाली थी वो टिप ये है कि आपका अचार यदि ख़राब हो जाता हो तो आप अचार बनाने के बाद 2 चम्मच विनेगर डाल दिया कीजिए, तो अचार आपकी ख़राब नहीं होगी और बहुत दिन तक स्टे करेगी। ऐसे भी ये अचार प्याज का बहुत दिन नहीं टिकता है, आप इसे ताज़ा ताज़ा बनाइए और ताज़ा ताज़ा खाइए। तो ये रेसिपी जो आम की है इसमें विनेगर मत डालिएगा, क्योंकि ये स्टे नहीं करता है, ये इंस्टेंट बना के खाने वाला है, और जो दूसरी आम की रेसिपी है उसमें आप डालिएगा। तो तब तक के लिए मैं अनु लेती हूँ विदा, फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर व्यूअर्स।